चुके कमोडिटी बाजार अपने एक्सपर्ट से पूछते कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनीलिशियस कैपिटल के जय प्रकाश गुप्ता और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। जय गुड मॉर्निंग। अनुज गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज नमस्ते, स्वागत है आपका। सबसे पहले मसालों में आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम देखें तो कोरिएंडर के अंदर एक काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में भी भाव ऊपर दिखाई दी है। डिमांड काफी लोअर लेवल आने की वजह से एक डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि कोरिएंडर के अंदर एक बाउंस बैक रहेगा, तो कोरिएंडर के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा। कोरिएंडर करीबन 4760 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4650 का रहेगा। टारगेट 5000 तक देखने को मिल सकता है। दूसरी अगर बात करें तो जीरे में इस बार एंटीसिपेट है कि जो क्रॉप है वो करीबन 12 से 13% कम हो सकती है, जिसका हमने इम्पैक्ट भाव में आता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि अभी भी जीरे की जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो जीरे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। टारगेट इनिशियली 20,000 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरे के सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको अनुजी और साथ ही में दुनिया भी उनके रडार पे है और यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ही खरीद की ही सलाह है। अनुज, राजस्थान में बारिश का अनुमान है और ऐसे में ग्वार में आप क्या पोजीशन लेना चाहेंगे? देखिए, ग्वार फीड और ग्वार गम की अगर देखें तो बारिश जो है अभी कुछ डेफिसिट है, जो मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है जिसका हमने इम्पैक्ट भाव में आते हुए देखा है। एक अच्छी रैली ग्वार फीड और ग्वार गम में बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी भी जो बारिश का डेफिसिट है वो यहाँ पर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ग्वार फीड और ग्वार गम में तेजी का माहौल बना रहेगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि ग्वार फीड और ग्वार गम के अंदर बाय करके चल सकते हैं करीबन 3850 के आसपास। स्टॉप लॉस 3770 का रहेगा। टारगेट 3990 तक देखने को मिल सकता है और ग्वारगम में टारगेट करीबन 8500 तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटी मुझे लगता है कि बाइंग साइड के लिए ठीक रहेंगी। क्वार्टर और ग्वारगम के अंदर बाय निषेध करके चलाया जा सकता है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती है। अनुज, रुपए पर एक आपका क्विक कॉल। देखिए, रुपीज में हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, हालांकि हमने आज एक एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि नीचे भाव करीबन एक अच्छा सपोर्ट लिया है 64 के आसपास, तो हो सकता है कि 64 के आसपास आने पर दोबारा बाय निश्चित किया जा सकते हैं। मगर हमें लगता है कि नीचे 64 और ऊपर में करीबन 64.30 के रेंज में मार्केट रहेगा। हमने स्वीट भी देखा था, मार्केट रेंज में मूव दिखाई दिया था, तो हमारा व्यू अभी फिलहाल स्टेबल रहेगा। हमें लगता है कि अगर भाव 64 के आसपास आए तो बाय करके चल सकते हैं। और आप दोनों का ही धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। अनुज गुप्ता और जय प्रकाश गुप्ता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर रखें नजर, कहां बनाएं स्ट्रैटेजी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के